दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के हल मुकाबले के बारे में, जहां पर दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2024 के 16वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 106 रन से हरा दिया है। तो वहीं टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 272 रन बनाए थे, और जवाब में दिल्ली की टीम 17.2 ओवर में 167 रन पर सिमट गई, और ये दिल्ली की 4 मैचों में से तीसरी सबसे बड़ी हार है। तो वहीं दोस्तों कोलकाता ने जीत की हैट्रिक लगाते हुए टीम के लिए अभी तक अपने तीनों मुकाबले जीते हैं, और इसी जीत के साथ कोलकाता की टीम 6 अंकों के साथ शीर्ष पर पहुंच चुकी है, और वहीं दिल्ली की टीम 9 स्थान पर पहुंच चुकी है और उसके 2 ही अंक हैं। और दोस्तों कोलकाता को अगला मैच 8 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ चेन्नई में खेलना है, वहीं दिल्ली की टीम अपना अगला मैच 7 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ वानखेड़ा में खेलेगी, जहां दोस्तों मैच की शुरुआत सुनील नारायण ने फिलिप सॉल्ट ने तूफानी अंदाज में की थी। उन्होंने पहले विकेट के लिए 4.3 ओवर में 60 रन जोड़े थे, और इस साझेदारी को नॉर्जे ने तोड़ा, जहां पर तो सॉल्ट 18 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद नारायण 18 साल के युवा भारतीय बल्लेबाज अंकर रघुवंशी के साथ मिलकर चौके छक्कों की बरसात करते दिखे। उन्होंने 48 गेंदों में 104 रन की साझेदारी निभाई। तो वहीं दोस्तों नरेन ने आईपीएल करियर का 5वां अर्धशतक लगाया है, और उन्होंने 39 गेंदों में 7 चौके और 7 छक्के की मदद से 85 रन की पारी खेली है। अंकर रघुवंशी ने आईपीएल में डेब्यू करते हुए शानदार अर्धशतक जड़ा, जहां पे वो 27 गेंदों में 5 चौके और 3 छक्के की मदद से 54 रन की पारी खेल सके। तो वहीं दोस्तों कप्तान शेयस अय्यर ने 11 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए, और वहीं नरेन रघुवंशी के बाद आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह ने तूफानी पारी खेली। रिंकू 8 गेंद में 1 चौके और 3 छक्के की मदद से 26 रन बनाकर आउट हुए, और कोलकाता की पारी का 20वां ओवर करने ईशांत शर्मा आए, और उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर शानदार यॉर्कर से रसेल को क्लीन बोल्ड कर दिया। रसेल का ये यॉर्कर पर बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गए। उन्होंने 19 गेंदों में 4 विकेट और 3 छक्के की मदद से 41 रन बनाए, और इसी ओवर में तीसरी गेंद पर ईशांत ने रमनदीप को चलता किया और वो 2 रन ही बना सके। और वहीं दोस्तों वेंकटेश अय्यर 5 रन और स्टार्क 1 रन बनाकर नाबाद रहे, और ईशांत ने 20वें ओवर में मात्र 8 रन दिए, और दिल्ली की ओर से नॉर्जे ने 3 विकेट लिए, और वहीं ईशांत को 2 विकेट मिले और खलील और मार्श को एक एक विकेट मिला। तो दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स की हाइलाइट मैच वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो क्रिकेट मूड के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।